पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें हमने आर, आरएल और आरसी और आरएलसी के बारे में डिस्कस किया। उसके साथ साथ हमने पैरेलल रेजोनेंस के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। तो जैसा कि मैंने बताया था, इस क्लास में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, मैग्नेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नेट का परिचय, इंट्रोडक्शन यानी परिचय। अब देखिए, आज से लगभग 2,500 वर्ष पहले की बात है कि एक मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक गडरिया क्या होता है, भेड़ चरा रहा होता है। तो वहां पर एक पत्थर का टुकड़ा उसके जूते की नाल से क्या होता है, चिपक जाता है। तो वो क्या करता है, उस जूते से चिपके हुए पत्थर को अपने घर ले आता है। तो उसने देखा कि वो पत्थर का टुकड़ा लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता था, और स्वतंत्रता पूर्वक जब उसे लटकाया जाता था तो हमेशा वो उत्तर दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता था। इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, लोडस्टोन नाम रखा गया। ठीक है, क्या नाम रखा गया, लोडस्टोन, लोडस्टोन। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि इसका प्रयोग मछुआरे क्या करते थे, दिशा ज्ञात करने के लिए भी प्रयोग करते थे, इसलिए इसको बाद में नाम दिया गया लीडिंग स्टोन। क्या नाम दिया गया, लीडिंग स्टोन नाम दिया गया। ठीक है, लोडस्टोन से क्या नाम रखा गया, लीडिंग स्टोन रखा गया। और उसके बाद अनेक प्रयोगों के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि ये जो लोडस्टोन यानी लीडिंग स्टोन है, ये आयरन का ही क्या है, ऑक्साइड है। ध्यान में रखना, क्या है ये, आयरन का ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड। ठीक है, Fe3O4। ठीक है, आयरन का ऑक्साइड है। तो इसकी जो चुंबकीय सामर्थ्य होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए इसे विभिन्न प्रकार के उपकरणों में प्रयोग करने के लिए कृत्रिम चुंबक का निर्माण किया गया। तो हमेशा ध्यान में रखना कि सबसे पहले ये मैग्नीशिया नामक स्थान पर किसको मिला था, एक भेड़ चराने वाले गडरिये को मिला था। तो इसका नाम क्या रखा गया, लोडस्टोन रखा गया था। बाद में मछुआरे इसका क्या, किस में प्रयोग करते थे, दिशा ज्ञात करने के लिए, इसलिए इसका नया नाम क्या रखा गया, लीडिंग स्टोन रखा गया। अब देखिए, फिर उसके बाद अनेक प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि यह क्या है, आयरन का ही ऑक्साइड है। ठीक है, तो उस उन्होंने देखा कि इसकी चुंबकीय सामर्थ्य क्या है, बहुत ही कम है, इसलिए अधिक चुंबकीय सामर्थ्य के चुंबक बनाने के लिए हमने चुंबकीय पदार्थों का प्रयोग किया। तो विभिन्न प्रकार के जो आपके चुंबक होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर ये था इसका क्या, परिचय। अब सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नेट होती क्या है, मैग्नेट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक ऐसा पिंड, एक ऐसा पिंड जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है प्रदर्शित
करता है चुंबक कहलाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि एक ऐसा पिंड जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है वो क्या कहलाता है, पिंड चुंबक कहलाता है। तथा इसका यह गुण, तथा इसका यह गुण चुंबकत्व कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। तो ये क्या है, इसकी चुंबक की परिभाषा है। तो हमेशा ध्यान में रखना, एक ऐसा पिंड जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। और इसका ये गुण क्या कहलाता है, हमेशा चुंबकत्व कहलाता है, क्या कहलाता है, चुंबकत्व। ठीक है, अब देखिए चुंबक हैं वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। तो ठीक है, चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना कि एक तो क्या होगी, प्राकृतिक चुंबक होगी जो हमें प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मिल रही है, जैसे लोडस्टोन हो गया, या आप इसे लीडिंग स्टोन बोल रहे हो, या मैग्नेटाइट हो गया, ये किसके उदाहरण है, प्राकृतिक चुंबक के हैं। इनकी क्या है, संरचना पत्थर के समान होती है, जो क्या है, कोई निश्चित आकृति नहीं है। तो यहां पर चुंबक के प्रकार में फर्स्ट प्रकार क्या है आपका, प्राकृतिक, प्राकृतिक चुंबक। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, वे चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्रता पूर्वक पाई जाती है और उनकी चुंबकीय सामर्थ्य होती है वो बहुत ही कम होती है, और संरचना क्या होती है, बेडोल बोल सकते हो, यानी कोई निश्चित उसका रूप या आकार नहीं होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, वे चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्रता पूर्वक पाई जाती है, जिनकी चुंबकीय सामर्थ्य बहुत कम होती है, तथा संरचना बेडोल होती है। संरचना क्या होती है, बेडोल होती है। वो क्या होते हैं, प्राकृतिक चुंबक होते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल जैसे कि आपका मैग्नेटाइट, क्या, मैग्नेटाइट। दूसरा लोडस्टोन, प्रकृति में क्या मिला था आपको, लोडस्टोन या आयरन का ऑक्साइड। दूसरा कौन सा है, लोडस्टोन। ये किसके एग्जाम्पल हैं, प्राकृतिक चुंबक के एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका आता है कृत्रिम चुंबक। दूसरा कौन सा है आपका, कृत्रिम चुंबक। सेकंड वन है आपका कृत्रिम चुंबक है। तो कृत्रिम चुंबक क्या होगा कि एक ऐसा चुंबक जिसकी चुंबकीय सामर्थ्य उच्च होती है, और उसके साथ साथ हमेशा ध्यान में रखना है कि ये चुंबकीय पदार्थों का प्रयोग करके कृत्रिम विधि से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, कृत्रिम विधि से बनाए जाते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम,
चुंबकीय पदार्थों, चुंबकीय पदार्थों का प्रयोग करके कृत्रिम विधि द्वारा निर्मित चुंबक, ठीक है, चुंबकीय पदार्थों का प्रयोग करके कृत्रिम विधि द्वारा निर्मित जो चुंबक होगी वो कौन सी होगी? कृत्रिम चुंबक होगी, हमेशा ध्यान में रखना है। और कृत्रिम चुंबक होती है वो भी हमेशा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। फर्स्ट वन है आपका स्थायी चुंबक और दूसरा कौन सा है? अस्थायी चुंबक, यानी आप कह सकते हो परमानेंट और टेम्परेरी, ठीक है। तो अब हेडिंग डालते हैं हम कृत्रिम चुंबक में स्थायी चुंबक, ठीक है। सबसे पहले है स्थायी चुंबक, ए स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक। अब ध्यान में रखना कि जो स्थायी चुंबक होता है उनकी चुंबकीय सामर्थ्य होती है वो सर्वाधिक होती है। क्या होती है? सर्वाधिक होती है। और एक बार इनमें जो ध्रुवता निश्चित हो जाती है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और ये चुंबकित होने के बाद यदि और इसे एक्साइट किया जाता है तो ये चुंबकित नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जो स्थायी चुंबक है वो क्या है? संतृप्त अवस्था में है। किस में है? संतृप्त अवस्था में है। तो क्या लिखेंगे? वे चुंबक जिनकी चुंबकीय सामर्थ्य सर्वाधिक होती है तथा लंबे समय तक अपना गुण नहीं खोते हैं तथा इनकी ध्रुवता निश्चित होती है, ध्रुवता निश्चित होती है वो क्या है? स्थायी चुंबक है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि वे चुंबक जिनकी चुंबकीय सामर्थ्य क्या होती है? सर्वाधिक होती है। चुंबकीय सामर्थ्य क्या होगी इनकी? सर्वाधिक होगी। और लंबे समय तक ये क्या है? अपना गुण नहीं खोते हैं तथा इनकी ध्रुवता भी क्या होती है? निश्चित होती है। इसके साथ साथ हमेशा ध्यान में रखना ये किस अवस्था में होते हैं? संतृप्त अवस्था में होते हैं तथा ये संतृप्त अवस्था में होते हैं, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि यानी स्थायी चुंबक को आप ओवर एक्साइट करते हो तो इसकी चुंबकीय सामर्थ्य बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये पहले से क्या है? संतृप्त अवस्था में है। अब हमेशा ध्यान में रखना है कि स्थायी चुंबक को बनाने के लिए कौन कौन से चुंबकीय पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो चुंबकीय पदार्थ तो हमेशा ध्यान में रखना कि चुंबकीय पदार्थ के रूप में आप प्रयोग करोगे किसका? आयरन, स्टील, ठीक है, कोबाल्ट, ठीक है, कार्बन स्टील। तो चुंबकीय पदार्थ कौन से प्रयोग करेंगे? आयरन, स्टील, कोबाल्ट, कार्बन स्टील, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? फौलाद कहते हैं। और
इसके अलावा आप मिश्र धातु, क्या मिश्र धातु कौन सी प्रयोग करते हो? एलनिको। कौन सी? एलनिको। इसमें क्या होता है? एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट। इसके अलावा एल्कोनेक्स, एल्कोनेक्स। ठीक है, तो ये मिश्र धातु भी आप क्या है प्रयोग कर सकते हो, क्या बनाने के लिए? स्थायी चुंबक बनाने के लिए। तो हमेशा ध्यान में रखना, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है। आयरन का प्रयोग किया जा सकता है, स्टील का प्रयोग किया जा सकता है, कोबाल्ट, कार्बन, स्टील, एल्निको और एल्कोनेक्स का प्रयोग किया जा सकता है। तो हमेशा ध्यान में रखना, पीएमएमसी होता है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? एल्निको का। तो ध्यान में रखना इस बात को, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? एल्निको का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कि स्थायी चुंबक है ये किस आकृति में हो सकती है, तो हमेशा ध्यान में रखना, ये बेलनाकार आकृति में भी हो सकती है स्थायी चुंबक। इस आकृति में बेलनाकार, ठीक है। इसके अलावा पीएमएमसी में आप क्या प्रयोग करते हो? यू आकृति की स्थायी चुंबक, ठीक है, तो ये आपकी यू आकृति। ठीक है, इसके अलावा नीडल, नीडल और हॉर्सशू टाइप, और कौन सी? हॉर्सशू। ये कौन सी है आपकी? हॉर्सशू। ये विभिन्न आकृतियों में क्या है? स्थायी चुंबक बनाई जा सकती है। तो निडल में यहां पर ये वाला भाग नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, चुंबकीय पदार्थ कौन से प्रयोग किए जाते हैं? आयरन, स्टील, कोबाल्ट, कार्बन, स्टील, एल्निको और एल्कोनेक्स। तो हमेशा ध्यान में रखना, पीएमएमसी जो उपकरण होता है जिसे आप मूविंग कॉइल बोलते हो, उसमें एल्निको का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एल्निको, ठीक है। और ये एल्निको किस आकृति में? यू आकृति में प्रयोग में लाई जाती है। अब ध्यान में रखना है कि जो स्थायी चुंबक है, जो स्थायी चुंबक है आपकी, इसका प्रयोग किस में किया जाता है, ठीक है। तो प्रयोग ध्यान में रखना है, जैसे प्रयोग की बात की जाए तो जैसे पीएमएमसी क्या है? मापक यंत्र है। तो इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? मापक यंत्रों में, मापक यंत्रों में, ठीक है। अब देखिए, जो छोटे साइज के जनरेटर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? डायनेमो। तो और किसमें किया जाता है? डायनेमो में। डायनेमो में भी किसका प्रयोग किया जाता है? स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो आपके लाउड स्पीकर होते हैं उनमें भी क्या होती है? स्थायी चुंबक होती है। तो हम क्या लिखेंगे? लाउड स्पीकर में। और इसके अलावा जो आपके ईयरफोन है वहां पर भी किसका प्रयोग किया जाता है? स्थायी चुंबक का। तो क्या लिखेंगे? ईयरफोन या माइक्रोफोन में। इन सभी में किसका प्रयोग किया जाता है? आपका स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना है कि स्थायी चुंबक क्या होती है, इसमें कौन सा चुंबकीय पदार्थ प्रयोग किया जाता है, किन आकृतियों में निर्मित की जा सकती है और इसके प्रयोग कहां पर है। इसके बाद में आता है आपका अस्थायी चुंबक, ठीक है।
तो सेकंड वन है आपका अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक सेकंड वन है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, अस्थायी चुंबक। तो हमेशा ध्यान में रखना कि अस्थायी चुंबक है उसको निर्मित करने के लिए आप आयरन या स्टील कोर प्रयोग में लाते हो। क्या लेते हो? आयरन या स्टील कोर, ठीक है। अब इस आयरन या स्टील कोर पे हमेशा आप क्या करवाओगे, वायर वाउंड करवाओगे, ठीक है, वायर वाउंड कराओगे, इस बात को ध्यान, ठीक है। अब यहां पर आप क्या दोगे, डीसी एक्साइटेशन, डीसी उत्तेजन, ठीक है। मान लीजिए इसमें करंट की दिशा ये है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हेलिक्स के नियम के अनुसार या एंड रूल के अनुसार कि हमेशा अंगुलियों को क्या करोगे, धारा की दिशा में फैला दोगे। तो धारा क्या है, इस तरीके से है, ठीक है। तो अंगूठा जिस दिशा में होगा वो कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। ये आपका क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, और ये क्या बनेगा, साउथ पोल, ठीक है। तो हमेशा फ्लेक्स लाइंस क्या होगी, नॉर्थ पोल से निकलेगी और कहां पर एंटर करेगी, साउथ पोल में एंटर करेगी, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो यहां पर देखिए जैसे जैसे आप डीसी एक्साइटेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी, और धारा बढ़ने के कारण यहां पर जो फ्लक्स है फाय समानुपाती किसके होगा, आई के होगा। तो यानी धारा बढ़ने के कारण फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए हमेशा इसमें क्या है, एक्साइटेशन के अनुसार, उत्तेजन के अनुसार क्या किया जा सकता है, फ्लक्स चेंज किया जा सकता है, जबकि स्थायी चुंबक में ऐसा कुछ नहीं होता है। स्थायी चुंबक में तो क्या होता है कि एक बार उसको उत्तेजित किया जाता है तो उसके बाद उसकी ध्रुवता निर्धारित हो जाती है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहां पर यदि उत्तेजन की दिशा परिवर्तित कर दोगे आप, किसकी दिशा, उत्तेजन की दिशा परिवर्तित कर दोगे तो धारा प्रवाह भी क्या हो जाएगा, पहले का विपरीत, और ध्रुवता भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो जैसे जैसे डीसी एक्साइटेशन आप देते हो तो धारा प्रवाहित होती है, धारा के कारण यहां पर क्या होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो धारा का मान बढ़ेगा तो हमेशा क्या बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि हमेशा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हो आप, विद्युत चुंबक बनाते हो या अस्थायी चुंबक बनाते हो, उसमें उत्तेजन डीसी दिया जाता है। उत्तेजन क्या दिया जाता है, डीसी दिया जाता है। जैसे हम आगे डीसी जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पर इस बात को आपको प्रमाण मिलेगा। अब मैं आपसे ये पूछूं कि यदि डीसी के स्थान पर मैं क्या प्रयोग करूं, एसी उत्तेजन प्रयोग करूं, तो यहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या कह सकता हूं कि डीसी ने प्रयोग करके मैं यहां पर एसी प्रयोग करता हूं तो क्या होगा। तो हमेशा ध्यान में रखना कि आपका जो एसी है, ठीक है, इसके धनात्मक अर्ध चक्कर में तो ये ध्रुव नॉर्थ पोल की तरह व्यवहार कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ देखिए यहां पर जैसे जैसे क्या है, वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे धारा बढ़ेगी, ठीक है, फिर उसके बाद कम हो रहा है तो कम होगी। उसके बाद क्या है, ये नॉर्थ पोल धनात्मक अर्धचक्र में तो ये क्या है, नॉर्थ पोल है, और जैसे ही ऋणात्मक अर्धचक्र आएगा तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ से साउथ पोल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है
कि यदि आपने उत्तेजन के लिए एसी प्रयोग में लाए हो तो इसकी ध्रुवता निर्धारित नहीं होती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। क्या नहीं निर्धारित होती है? ध्रुवता निर्धारित नहीं होती है। और डीसी जनरेटर में मैंने आपको बताया भी था कि जैसे मान लीजिए ये आपका योक है और यहां पर ये आपके पोल्स लगे, ये क्या लगे हुए आपके पोल्स लगे, ठीक है। तो इनको डायरेक्ट देखकर आप ये नहीं बता सकते कि नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा वाइंडिंग आपने यहां पे क्लॉकवाइज करवाई, यहां पे एंटी क्लॉक करवा दी, यहां पे क्लॉक करवा दी, यहां पे एंटी क्लॉक करवा दी, और यहां पे आपने क्या दे दिया, डीसी एक्साइटेशन, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे हेलिक्स रूल या एंड रूल में बताया था कि यदि ये धारा की दिशा ये है ना, तो हमेशा अंगूठा जिस दिशा को प्रदर्शित करेगा वो नॉर्थ पोल बनेगा। तो यहां पर जब इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो ये साउथ बन जाएगा, ये भी साउथ, और ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। अब उत्तेजन इस प्रकार से, यदि इसको विपरीत कर देते हो तो साउथ वाला नॉर्थ, नॉर्थ वाला क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो पोल्स होते हैं यहां पर वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, जिनका निर्धारण या उनकी ध्रुवता का निर्धारण हमेशा वाइंडिंग और उत्तेजन के आधार पर होता है। किसके आधार पे होता है, उत्तेजन के आधार पे होता है। तो यहां पर सर्वाधिक या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, अस्थायी चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, ठीक है, आयरन या स्टील कोर पर कॉपर वायर लपेटा जाता है, लपेटा जाता है, तथा डीसी उत्तेजन से संयोजित किया जाता है, किससे संयोजित किया जाता है, डीसी उत्तेजन से संयोजित, ठीक है। तो जैसे जैसे यहां पर आपका उत्तेजन बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। यदि आपने उत्तेजन कम किया तो करंट कम होगा और फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, अस्थायी चुंबक रखा, ठीक है। इसके बाद में हमेशा ध्यान में रखना है कि नोट पॉइंट यहां पर, यदि एसी सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो विद्युत चुंबक की ध्रुवता व फ्लक्स परिवर्तित होते रहते हैं, इसी कारण से हमेशा ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है या विद्युत चुंबक है उसमें किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, एसी सप्लाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। और हमेशा ध्यान में रखना है कि अस्थायी चुंबक का प्रयोग कहां पर किया जाता है, बहुत सारे उपकरण जैसे MI है, मूविंग आयरन, तो पहला एग्जांपल क्या लिखोगे आप, मापक यंत्रों में, मापक
यंत्रों में, जैसे मूविंग आयरन, मूविंग आयरन, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी क्रेन है, जनरेटर है, विद्युत घंटी है, इन सब में किसका प्रयोग किया जाता है? ऐसे सेकंड क्या लिखोगे? विद्युत घंटी, और सेकंड थर्ड जनरेटर, मोटर या क्रेन्स, इन सब में किसका प्रयोग किया जाता है? अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्थायी चुंबक क्या होता है, अस्थायी चुंबक क्या होता है। अब हम थोड़ी सी इन दोनों में क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, ठीक है। तुलना देखते हैं, ठीक है। तो एक साइड में लिख लीजिए स्थायी चुंबक और दूसरी साइड में अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, स्थायी चुंबक की जो चुंबकीय सामर्थ्य होती है वो क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? चुंबकीय सामर्थ्य सर्वाधिक व नियत, ठीक है। तो यहां पर इसकी चुंबकीय सामर्थ्य होती है वो क्या होती है? कम होती है और परिवर्तनशील होती है। तो हम क्या लिखेंगे? चुंबकीय सामर्थ्य कम तथा परिवर्तनशील, परिवर्तनशील होती है, इस बात को हमेशा ध्यान में, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि इसकी जो ध्रुवता है निश्चित होगी, उसके बाद उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो क्या लिखेंगे? ध्रुवता परिवर्तित नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, ठीक है। जबकि इसकी ध्रुवता हमेशा क्या की जा सकती है? सप्लाई के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है। तो ध्रुवता परिवर्तित की जा सकती है, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट कि कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना, आपको मैंने बताया था कि स्थायी चुंबक है वो बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, और इसके अलावा आपका कोबाल्ट हो गया, ठीक है, और एल्निको हो गया या एल्को नेक्स हो गया। ये स्थायी चुंबक बनाने के लिए चुंबकीय पदार्थ प्रयोग किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाता है? आयरन या सिलिकन स्टील कोर, और उसके ऊपर वायर वाउंड कराया जाता है, किसका? कॉपर का। तो ये क्या है, इनमें बेसिकली डिफरेंस है दोनों में। अब देखते हैं पोल्स, किसके? चुंबक के ध्रुव, ठीक है। ठीक है, चुंबक के ध्रुव। अब देखिए जो हमें प्रकृति में प्राप्त हुई थी चुंबक, तो उस वो क्या थी? बेडोल थी, यानी उनका कोई भी निश्चित संरचना नहीं थी। तो हम कृत्रिम चुंबक की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये एक चुंबक लिया, ठीक है, ये एक चुंबक लिया, ठीक है। अब देखिए आपको देखना है कि इसका उत्तरी ध्रुव कौन सा होगा, दक्षिणी ध्रुव कौन सा होगा,
ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसे एक ऐसा जार ले लीजिए। आपने क्या ले लिया, एक जार ले लिया है, ठीक है, ये आपने जार ले लिया, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्या है, चुंबकीय पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, आयरन के टुकड़े हैं मान लीजिए, ठीक है, किसके टुकड़े हैं, आयरन के टुकड़े, ठीक है। अब देखिए, हमेशा ध्यान में रखना कि जो ये आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये सर्वाधिक कहां पर चिपकेंगे, ध्रुवों पर, कहां पर चिपकेंगे, ध्रुवों पर, या इसके छोर यानी किनारों पर, यहां पर सर्वाधिक चिपकेंगे, इस बात को ध्यान में रखना, जबकि मध्य में क्या होंगे, कम चिपकेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो छोर हैं, ये क्या होते हैं, इसके ध्रुव होते हैं, क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं, ठीक है। इनकी जो चुंबकीय सामर्थ्य होती है वो क्या होती है, एक समान होती है, लेकिन ध्रुवता क्या होती है, विपरीत होती है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान में रखना कि आपने एक जार लिया, उसमें क्या है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसमें आपने चुंबक को डाल दिया, ठीक है, तो उसके जो सिरे हैं उन पर क्या है, लोहे के टुकड़े सर्वाधिक चिपकेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके ध्रुव कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ध्रुव। जैसे मान लीजिए इसे मैंने नंबर दे दिया एक नंबर ध्रुव, ठीक है, और इसे नंबर दे दिया मैंने दो नंबर ध्रुव, ठीक है। अब आपको निश्चित तो हो गया है कि ध्रुव तो कितने होंगे, दो होंगे, लेकिन उनकी ध्रुवता क्या होगी। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर यह हमें लिखना है कि इसमें ध्रुव कितने होंगे, दो होंगे, भले इसको कितने छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करो, प्रत्येक भाग के दो ध्रुव होंगे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान में रखना कि लोहे के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो कहां पर चिपकते हैं सर्वाधिक, सिरों पर यानी ध्रुवों पर, ठीक है। तो इनकी जो ध्रुव सामर्थ्य होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के समान होती है, लेकिन प्रकृति क्या होती है, विपरीत। तो हम क्या लिखेंगे, चुंबक की है ध्रुवों की सामर्थ्य की सामर्थ्य समान, लेकिन प्रकृति 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 क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, ध्रुवता क्या होती है, विपरीत होती है। अब देखिए यहां पर, अब आपके पास ये तो ज्ञात हो गया कि दो ध्रुव होंगे, अब लेकिन ध्रुवता कैसे ज्ञात करें, इसलिए आप क्या कीजिए, इस चुंबक को केंद्र से यहां पर सेंटर से किसी रस्सी से बांध दिया आपने, किससे बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, ठीक है, और इसे स्वतंत्रता पूर्वक आपने क्या किया, लटका दिया। आपने क्या किया, ये चुंबक है, इस चुंबक को मध्य में यहां पे धागा बांध दिया आपने और इसे लटका दिया, तो हमेशा ये चुंबक क्या करेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। जैसे मान लीजिए ये ध्रुव है आपका उत्तरी दिशा में ठहर रहा है, इसमें उत्तरी दिशा में, उत्तरी दिशा में ठहरता है, और ये वाला जो ध्रुव है ये किस दिशा में, दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो ध्यान में रखना, जो ध्रुव उत्तरी दिशा में ठहरेगा वो चुंबक का क्या कहलाएगा, नॉर्थ पोल, और जो ध्रुव दक्षिण दिशा में ठहरेगा वो क्या कहलाएगा, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो जो ध्रुव उत्तरी दिशा को प्रदर्शित करता है वो क्या कहलाता है, उत्तरी ध्रुव,
और जो ध्रुव दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है वो क्या कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहां पर, जो ध्रुव उत्तरी दिशा को प्रदर्शित करता है वह उत्तरी ध्रुव तथा जो ध्रुव दक्षिणी दिशा को प्रदर्शित करता है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना कि चुंबकीय एक्स क्या होता है, चुंबकीय एक्स, चुंबकीय एक्स। ठीक है, जैसे ये आपकी चुंबक थी, इसका ये नॉर्थ पोल हो गया, ये क्या हो गया, साउथ पोल। अभी ज्ञात कर लिया हमने कि नॉर्थ पोल कौन सा होगा और साउथ पोल कौन सा होगा। तो आपने क्या किया कि एक काल्पनिक रेखा खींची जो क्या करे, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। तो आपने एक काल्पनिक रेखा खींची जो उत्तरी ध्रुव को क्या मिलाती है, दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय एक्स। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो चुंबकीय एक्स होती है ध्रुवों के, जो दोनों ध्रुव हैं उनको क्या कर रही है, मिला रही है, और ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य क्या होगी, अधिकतम होगी। इसके अलावा एक होता है चुंबकीय उदासीन एक्स। क्या होता है, उदासीन एक्स होता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि ध्रुवों पर अधिकतम चिपकता है आपका लोहे का टुकड़ा, यहां पे नहीं चिपकता। इसका मतलब क्या है कि यहां पे सामर्थ्य कम। तो आप क्या कीजिए, इस चुंबक के केंद्र पर, क्या चुंबक के केंद्र पर चुंबकीय एक्स के काल लंबवत, चुंबकीय एक्स के लंबवत एक काल्पनिक रेखा खींच दीजिए। तो ये क्या कहलाता है, चुंबकीय उदासीन एक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय उदासीन एक्स कहलाता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, और हमेशा ध्यान में रखना है कि जैसे आप इस चुंबक को तोड़ते हो तो ये दो भागों में विभाजित हो जाएगी। तो प्रत्येक जो भाग होगा उसके दो ध्रुव होंगे। तो इसके जो गुण होंगे, गुण हैं, उनके बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।